प्रदेश की योगी सरकार गायों की देखभाल के लिए गौशाला का निर्माण कराने की बात कह रही है। इसके लिए कई जिलों में बजट भी भेज दिया गया है। वहीं सुल्तानपुर की एक गौशाला में एक सप्ताह के भीतर लगभग 300 गायों की मौत हो चुकी है। इस घटना से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को तलब किया है। डीएम खुद भी जाँच करने के लिए जाएंगे। प्रभात सिंह, हलियापुर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में छुट्टा जानवरों से किसानों को निजात दिलाने के लिए गौशाला बनवाई गई थी और ग्राम प्रधान द्वारा माइक लगाकर प्रचार प्रसार करके 10 जनवरी को उस गौशाला का सुरेश पासी से उद्घाटन करवाया गया और उसी दिन लगभग 2200 जानवर गौशाला में कैद हो गए और धीरे धीरे उसमें डेली कभी 4 जानवर, कभी 10 जानवर, कभी 12, कभी 20 मरते गए और उनके चारे पानी की व्यवस्था ठीक से न प्रधान द्वारा की गई और न शासन प्रशासन द्वारा कहीं से की गई। और जानवरों के मरने से आज ही जाकर तंग आकर ग्राम प्रधान द्वारा आज रात में सारे जानवरों को छोड़ दिया गया, गौशाला के बाहर कर दिया गया, जिससे हमारे क्षेत्र में, गांव में, हमारे पीछे भी आप देख रहे हैं तमाम जानवर खड़े हैं जगह जगह पर, दरवाजे पर, गाँव में और सिवान में सब तमाम जानवर हज़ारों की संख्या में सब पहुँच गए हैं। और आज इसी क्रम में फैजाबाद रावी रोड पर भी दो क्षेत्र के, हलियापुर और फैजाबाद जिले के पिछला गांव वालों द्वारा रोड जाम भी कर दिया गया गांव को जानवरों को लेकर के, और जिसमें किसी तरह से मारपीट होने से बची। हलियापुर में जो गोसंरक्षण केंद्र बनाया गया है, मनरेगा के तहत बनाया गया है और उसमें देख रेख के लिए कमेटी बना दी गई है। वीडियो हैं, DPRO हैं और साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। तो अब प्रतिदिन कमेटी उसका अनुसरण करेगी, चारे की पानी की व्यवस्था का और साथ ही वहाँ पर और रखरखाव कैसा है उसका भी अनुसरण करके और सारी व्यवस्था सुनिश्चित।